गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग मटेरियल का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंजीनियरिंग मटेरियल में देखा था, उसका इंट्रोडक्शन किया था कि क्या क्या हम उसमें पढ़ने वाले हैं। आज हम इसमें शुरू करेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, प्रॉपर्टीज़। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की। उसमें से फर्स्ट वन जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो डिस्कस करेंगे वो है आपका स्ट्रेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका, क्योंकि ये बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी हैं आपके मैकेनिकल डिप्लोमा के जिसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा इन सारी टर्म्स को, जितनी भी हम टर्म आए पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या चीज़ होती है? बॉडी के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो, ये एक वर्ड है जो आपने हमेशा याद रखना है स्ट्रेस के रिगार्डिंग, इंटरनल रेजिस्टेंस। डेफिनेशन अगर देखेंगे आप स्ट्रेस का, तो वो क्या होता है, द इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। कहने का मतलब कि सपोज करो कोई भी आपकी बॉडी है एक, ठीक है, जब भी आप सपोज करो इन दोनों तरफ से मैंने यहाँ पर पी लोड लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है, इस लोड के इफेक्ट के कारण, ये क्या है, एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं हम दोनों तरफ से बॉडी को, हम खींच रहे हैं, इस लोड के कारण, एक्सटर्नल लोड के कारण बॉडी के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कैसे होता है, अब सपोज करो इन दोनों तरफ से मैंने यहां पर लोड लगाना शुरू कर दिया है, सपोज करो स्टार्टिंग में 10 न्यूटन लोड लगा रहे हैं, ठीक है, न्यूटन है ये आपका फोर्स का यूनिट है, 10 न्यूटन हमने लोड लगाना शुरू कर दिया स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, बॉडी के बीच में जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं, जब बॉडी को पुल करेंगे बाहर की तरफ को, तो क्या होगा, इस फोर्स के कारण बॉडी के बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब कि बॉडी इस फोर्स को जो एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं उसको अपोज करना शुरू कर देगी, तो बॉडी के बीच में ऑटोमेटिकली आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है दोनों तरफ से। ये वाली चीज है जो ये इसको काउंटर कर रही है, इस वाले लोड को, लोड के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस पड़ी होगी बॉडी में। इसी तरह इस वाले लोड के कारण आपकी ये वाली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो प्रोड्यूस होगी, इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ पर लोड बढ़ाते जाते हैं, सपोज करो अब 20 न्यूटन यहाँ पर मैंने लोड कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये वाली जो बीच में इसकी बॉडी की फोर्स है, जो बॉडी की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। कितनी होगी इंटरनल रेजिस्टेंस, कितनी प्रोड्यूस होती है, जितनी बार हम फोर्स लगा रहे होते हैं उतनी अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ये तो इसका कंसेप्ट था। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा हमेशा, ये फार्मूला जो हम लिखने जा रहे हैं इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना, स्ट्रेस क्या होती है, जितना मैं लोड लगा रहा हूँ और कितने एरिए पे लगा रहा हूँ, ठीक है, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस। कितना लोड लगा रहा हूँ, कितना लोड लगाया मैंने यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 न्यूटन मैंने लोड लगाया और आपकी बॉडी का एरिया कितना है, ठीक है, सपोज कर लो 5 मीटर स्क्वेयर आपका बॉडी का एरिया है, तो ये वाली चीज़ क्या आ गई, आपकी स्ट्रेस की वैल्यू आपको बताएगा कि बॉडी के बीच में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अगर इसके यूनिट की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, यूनिट किसी भी क्वांटिटी का, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखते हैं तो वो कहाँ से ड्राइव होता है, हमेशा उसके फॉर्मूले से ड्राइव होता है, ठीक है, सो दिस इज वन इज लोड एंड दिस वन इज एरिया। सो लोड, ये वाला लोड, लोड का यूनिट क्या है, कितना लोड हम लगा रहे हैं, न्यूटन, कौन सा यूनिट है इसका, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर स्क्वेयर,
सो दिस इज द यूनिट फॉर स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, स्ट्रेस इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ये इसका आपका SI का यूनिट है, ये SI में ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट करना हो, सपोज करो आपका जो एरिया है वो दिया गया है सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में दिया गया है, तो वहीं पर इसको आपने mm स्क्वेयर भी हो सकता है और न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें कब काम आएगी, जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तब ये चीज़ें देखेंगे कि हमने उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है या मिलीमीटर दिया हुआ है या सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आंसर किस चीज़ में निकालने के लिए उसने बोला है, तो वहाँ पर हमको यह कन्वर्जन करनी पड़ेगी मीटर को मिलीमीटर में या जिसमें भी आपको बताया होगा उसने, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आ गई, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड। जब भी बॉडी के ऊपर लोड लगेगा, बॉडी के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। मैथमेटिकली दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू लोड बाय एरिया एंड इज द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। अब स्ट्रेसेस की टाइप देख लेते हैं कि कौन कितने तरह का आपका स्ट्रेसेस होता है। दो तरह की स्ट्रेसेस हो सकती हैं, फर्स्ट वन डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम डायरेक्ट स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेसेस में कौन कौन सी होती हैं आपकी, डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं जो आपकी तीन तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज टेंसाइल, सेकेंड वन है आपका कंप्रेसिव, और थर्ड वन है आपकी शीयर स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस में से क्या आ गया आपका डायरेक्ट स्ट्रेस, और डायरेक्ट स्ट्रेस के आगे कौन सी टाइप्स आ गई, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड शीयर स्ट्रेस। अब फर्स्ट वन देख लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, टेंसाइल से जैसे आपको नाम पता चल रहा है, टेंसाइल दैट मीन्स बाहर को हमने खींचना है, पुल कर रहे हैं किसी चीज को। जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर ऐसे बाहर की तरफ को लोड लग रहा हो, दैट्स कॉल्ड टेंसाइल लोड, ठीक है। और टेंसाइल लोड के कारण जो बॉडी के बीच में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, क्या टेंसाइल है तो ये वाले एरो होंगे आपके बाहर की तरफ होंगे, बॉडी को हम खींच रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू सेम टेंसाइल लोड डिवाइडेड बाय कितने एरिया के ऊपर लग रही है। बेसिक फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है स्ट्रेस का, क्या है, लोड बाय एरिया। अगर टेंसाइल लोड लग रहा है तो यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो लोड कौन सा आ जाएगा, टेंसाइल लोड आ जाएगा आपका, ठीक है। सेम वही है आपका, न्यूटन में लोड का यूनिट हो गया आपका और एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वेयर। सो टेंसाइल स्ट्रेस का क्या आ गया, फॉर्मूला ये आ गया और आपके ये यूनिट आ गए न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। अब सेकंड देख लेते हैं, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव में क्या होगा आपका, नाम से पता चल रहा है कि बॉडी को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। अगर बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, ये वाले एरो इस तरफ अंदर को आ जाएंगे, ठीक है। बॉडी को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, दोनों तरफ से लोड लग रहा है। सेम वही चीज के सपोज करो यहां पर पी लोड लग रहा है, या जो भी ले लो 10 kN ले लो आप कुछ भी, ठीक है। तो जब भी बॉडी कंप्रेस हो रही हो, बॉडी के ऊपर बाहर से प्रेशर हम दबाव लगा रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लोड, तो तब कौन सी आपकी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी बॉडी के बीच में, कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेम फॉर्मूला है सभी का, आपने हमेशा सेम याद रखना है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो इसको डिनोट करेंगे सिग्मा सी के साथ, सी फॉर कंप्रेसिव। अगर टेंसाइल था तो इसके लिए था सिग्मा टी। सिग्मा सी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला टेंसाइल, कंप्रेसिव के लिए क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव लोड डिवाइडेड बाय एरिया। सो सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, कंप्रेसिव लोड कितना लग रहा है, जितना भी न्यूटन में वैल्यू होगा उसका, और एरिया कितना है, मीटर में उसका वैल्यू होगा। तो सिग्मा सी इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। सो ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, और ये दूसरा हो गया हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस।
अब तीसरे पर देखते हैं हम, थर्ड वन इज शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है हमारा, जब भी बॉडी के टेंजेंटली लोड लग रहा हो। कहने का मतलब, सपोज करो ये दो प्लेट्स हैं ऐसे, तो लोड कैसे लग रहा है, एक यहां पर लोड लग रहा है और एक यहां पर लोड लग रहा है, ठीक है। जब भी टेंजेंटली लोड लग रहा हो, अब देखो इन लोड्स में और शियर स्ट्रेस में फर्क क्या था, ये बिल्कुल आपका अगर यहां पर बात करें टेंसाइल की, तो क्या था, दोनों तरफ की फोर्सेस का जो आपका यहां पर क्या आ रहा था, एक्सिस सेम के ऊपर लग रही थी, सेम एक्सिस पर लग रही थी दोनों की दोनों फोर्सेस, दोनों तरफ वाली। लेकिन शियर में डिफरेंस क्या है, शियर में क्या है कि इसका एक्सिस कुछ और है, ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ये हो गया, इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों ओपोजिट एक्सिस के ऊपर लग रही हैं, दोनों अलग अलग एक्सिस के ऊपर लग रही हैं, सो दैट्स कॉल्ड शियर स्ट्रेस। जब भी बॉडी के ऊपर आपके, सपोज कर लो ये आपकी बॉडी है एक, और एक तरफ आप यहां से खींच रहे हो बॉडी को, और एक आप यहां से खींच रहे हो, ठीक है, तो बॉडी क्या होगी, बॉडी आपकी डिफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। सपोज करो ये आपकी ऐसे बॉडी है, ये दो प्लेट्स हैं आपकी, तो एक तरफ यहां से लोड लगा रहे हो, एक तरफ यहां से लोड लगा रहे हो, तो बॉडी ऐसे शियर होगी, ठीक है। जब भी ऐसी हो आपकी सिचुएशन, तो तब हम क्या बोलते हैं, बॉडी के बीच में कौन सी आपकी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्ट स्ट्रेसेस आ गई थी। डायरेक्ट स्ट्रेसेस का मतलब यहां पर क्या था, डायरेक्ट स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस हैं जिनका इफेक्ट आपको डायरेक्टली बॉडी के ऊपर मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्टली बॉडी के ऊपर आप फोर्सेस लगा रहे हैं और डायरेक्ट आपका इफेक्ट मिल रहा है, वो वाली चीजें कि आपकी स्ट्रेसेस कौन सी हो गई, डायरेक्ट स्ट्रेसेस। सेकंड देख लेते हैं, इसमें कौन सी थी, इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या है, ये आपकी जो बॉडी के बीच में प्रोड्यूस होंगी स्ट्रेसेस, उनका इफेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। सेम ही वाली स्ट्रेसेस आपकी जो हमने पढ़ी है अभी, टेंसाइल और कंप्रेसिव, इसमें भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, उनका इफेक्ट क्या होगा, आपकी जो बॉडी के बीच में वो डेवलप हो रही है स्ट्रेसेस, वो इनडायरेक्टली हो रही है, डायरेक्टली लोड के कारण नहीं हो रही। डायरेक्ट का मतलब ये है कि ये आपका ये डायरेक्ट हो गया बिल्कुल, ठीक है, डायरेक्टली आप बॉडी को खींच रहे हैं और आपको इफेक्ट डायरेक्टली मिल रहा है इसका, ठीक है। इन जिस भी आप डायरेक्शन में बॉडी को खींच रहे हैं, उसी के बीच में उसी तरफ आपको, सपोज करो ये था आपका बॉडी इफेक्ट लोड लगने से पहले बॉडी, अब ये ऐसी हो गई इसकी शेप, ठीक है, तो जिस तरफ को मैंने लोड लगाया उसी तरफ को मुझे इसका इफेक्ट मिल रहा, ठीक है, इसी तरफ को बॉडी की इलॉन्गेशन हो गई। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट। एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस में आपकी दो तरह की स्ट्रेसेस होंगी, फर्स्ट वन है बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड सेकेंड वन है आपकी टॉर्जनल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस देख लेते हैं, बेंडिंग नाम से पता चल रहा है आपको कि क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, बॉडी को बेंड करने की कोशिश हो रही है। सपोज कर लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कैंटिलीवर बीम की, कैंटिलीवर दैट मींस वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, ये वाला आपका एंड है वो फिक्स्ड है, इसकी कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, लेकिन ये वाला एंड आपका बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो जब भी, अब सपोज करो यहां से मैंने ऊपर यहां से लोड लगाना शुरू कर दिया, पी लोड यहां से लगाना शुरू कर दिया, तो बॉडी क्या होगा, इसका ये वाला जो आपका कैंटिलीवर है नीचे को बेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कैंटिलीवर सपोज करो इस लोड के बाद उसकी शेप ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो ये इफेक्ट क्या हुआ, लोड लगाया मैंने, ठीक है, लोड के कारण बॉडी बेंड हो गई। जब भी बॉडी ऐसे बेंड हो, उसके बीच में जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी उसको क्या बोलते हैं हम, बेंडिंग स्ट्रेसेस। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, आपका आपकी वही वाली स्ट्रेसेस टेंसाइल एंड कंप्रेसिव जो आपकी हैं, वही वाली इसमें भी प्रोड्यूस होती हैं। सपोज करो इसको थोड़ा डायग्राम को, ये इसका एक्सिस आ गया, ठीक है। जब भी बॉडी के ऊपर आपका ऐसे इफेक्ट होगा, ऐसे हम लोड लगाएंगे, तो जो ऊपर वाली इसकी लेयर है, जो बॉडी की ऊपर वाली लेयर है, उसमें क्या होगा, आपका टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा,
ठीक है, कौन सा प्रोड्यूस होगा? टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि ये देखो ये इलॉन्गेट हो रही है, ठीक है, इस इफेक्ट के कारण ऊपर वाली लेयर के बीच में जितनी ये वाला क्या है आपका, ये एक्सिस है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के अबव जितनी भी मटेरियल्स की लेयर होंगी उसमें आपका कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। और इसी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाली जितनी भी लेयर्स होंगी उसमें कौन सा प्रोड्यूस होगा? बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है उसमें, आपका जो हमने पहली एग्जांपल देखी है उसमें क्या था, इसमें टेंसाइल ही हो रहा था और दूसरा अगर अंदर को इसमें लोड लगा रहे हैं तो वो बेंडिंग हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, न्यूट्रल एक्सिस के अबव आपका टेंसाइल और नीचे आपका बेंडिंग। जब भी ऐसी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंडिंग स्ट्रेसेस। सो नेक्स्ट वन इज आपका टॉर्जनल स्ट्रेसेस। टॉर्जनल स्ट्रेसेस क्या होता है? सपोज करो ये आपका एक फिक्स्ड एंड है और ये एक रॉड है आपका, राउंड आपका ये वाला रॉड है, ठीक है। तो टॉर्जनल स्ट्रेसेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब भी हम बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, ये एंड आपका फिक्स्ड है, इस तरफ वाली रॉड है, सपोज करो ये आपका क्या है, एक बीम है, ये वाला फिक्स्ड है, इस तरफ को से पकड़ के मैं इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको मूव करूं, ठीक है, तो तब जो इसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी उसको क्या बोलते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेसेस, ठीक है। बॉडी को क्या कर रहे हैं हम, मूवमेंट दे रहे हैं या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये एंड है जो आपका, ये एंड फिक्स्ड है और इस एंड को हम मूवमेंट करें ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, तब जो बॉडी के बीच में जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी? टॉर्जनल स्ट्रेसेस। तो ये सारा का सारा स्ट्रेसेस के बारे में था आज आपका, ठीक है। जो इसमें मेन चीज़ें याद रखने वाली है, एक तो स्ट्रेसेस कौन कौन सी प्रोड्यूस होती हैं वो वाली आपने याद रखनी है, इसका फॉर्मूला कभी नहीं भूलना, लोड बाय एरिया, और यूनिट को भी दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। अगर टेंसाइल लग रही है तो ये टी आ जाएगा और लोड टेंसाइल आ जाएगा, अगर कंप्रेसिव लग रही है तो ये कंप्रेसिव आ जाएगा, शियर है तो ये शियर आ जाएगा, समझ लगी। तो ये आज का पार्ट था स्ट्रेसेस के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बुक के पीछे दिए होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि वहां से आपको क्लैरिटी होती है कि किस तरह का क्वेश्चन है जो एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपने वो वाली चीज़ें देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो उसको साथ साथ में देखते जाओ, वो आगे काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और स्ट्रेसेस हमने देखा। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट इसकी कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट आपका इसका है स्ट्रेन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।